नमस्कार दोस्तों, 11 जून और 12 जून के मौसम समाचार के साथ हम हाजिर है। दोस्तों, अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मध्य के क्षेत्र में ऊपर बह रहा चक्रवाती तूफान वायु 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को एक बुलेटिन जारी किया, उसमें यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान 11 जून को तड़के 2:03 पर अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्से में पहुंच जाएगा। तूफान वायु अभी दक्षिण द्वीप से 410 किलोमीटर का रूप धारण किया है। तूफान वायु के 13 जून की सुबह गुजरात के पोरबंदर पे महुआ तक पहुंचने की आशंका है। वायु के कारण 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने भय के चक्रवाती तूफान में बदलने का पूर्वानुमान जारी करते हुए केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर सौराष्ट्र के कच्छ में भारी भूमत बारिश होने की आशंका जताई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बार चक्रवाती तूफान का नाम भारत ने रखा है। भारत ने तूफान को वायु नाम दिया है। 12 जून को केरल में, 13 जून को सौराष्ट्र कच्छ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। इन इलाकों में 14 जून तक अच्छी बारिश की संभावना होगी। इसके अलावा दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से, कोकण और गोवा में भी 10 से 14 दिन तक भारी बारिश हो सकती है।